हे नमस्कार दोस्तों, कैसी है पब्लिक। आज हम लोग ये नया वीडियो लेके आए ट्राइड एंड शेयर के ऊपर। ओके, ट्राइड एंड शेयर में हम लोगों ने हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले ब्रेकआउट देखने को मिला था, ये देख सकते हैं, और मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए डाउनसाइड आया था। रिट्रेसमेंट के बाद इसको वापस रिट्रेसमेंट भी कर लिया, अब ये वापस अपनी ऊंचाइयां छूने के लिए निकल चुका है। ओके, सो बात करने वाले इस वीडियो में, क्या ये शेयर हम लोग को 40 रुपए तक के टारगेट वापस दे देगा या ये एक सिर्फ और सिर्फ ट्रैप बना रहा है लोगों को फंसाने के लिए। पूरी डिटेल एनालिसिस करके आप लोग को बताने वाले हैं विद रीजन। बाकी यूट्यूब चैनल पे आप लोग को बताएंगे लेकिन विद रीजन नहीं बताएंगे। हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आप लोगों को एक एक लेवल एक्सप्लेन करने वाले हैं विद रीजन। ओके, सो बाकी YouTube चैनल पे जो कि आप लोगों को नहीं मिलने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को डेली ऐसे विद रीजन वाले वीडियोस मिल पाए और आप लोगों को लर्निंग पे फोकस कर पाए, बिकॉज वो रीजन बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, आप लोग की लाइफ में बहुत तगड़े लेवल से चेंज ला सकते हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। ओके, सो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप भी ट्रेडिंग जर्नी में अच्छे खासे चेंजमेंट आए, सो उन वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं शेयर में आज के दिन हम लोग को क्या देखने को मिला है। देखिए, थोड़ा मार्केट को समझने के लिए मार्केट के प्राइस बैंड को समझिए, थोड़ा प्राइस के साइकोलॉजी को समझिए। देखिए, आज के दिन हम लोग को क्या देखने को मिला है, मार्केट ने 31.10 रुपीज के पास क्लोजिंग दी है, ठीक। और देखा जाए ना कि इसमें एक मोमेंटम अपसाइड मोमेंटम दिया इसने, ना कोई डाउन साइड का मोमेंटम दिया, ठीक। मार्केट क्या है, क्लोजिंग के टाइम एकदम न्यूट्रल हुआ, ठीक। बट कैंडल तो इसने ग्रीन बनाई है। देखे कुछ लोग ये भी कहेंगे, देखो भाई कैंडल ग्रीन बनाई वो मैं ठीक बता, वो बात सही है, बट जहां इसने लास्ट टाइम क्लोजिंग दी थी, देख सकते हैं लास्ट टाइम जहां क्लोजिंग थी मार्केट ने, आज के दिन वहीं पे क्लोजिंग दी है। सो ना तो सेलर्स ऊपर ले गए मार्केट को, ना वो बायर्स नीचे ले जा पाए, ना सेलर्स नीचे ले जा पाए, बायर्स ऊपर ले जा पाए। सो मार्केट में हुआ क्या है, बस एक प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ। ओके, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है एक तरह की। ओके, लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब वो शॉर्ट बिल्डअप नहीं हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है, वो लॉन्ग लोगों अपनी पोजीशन बिल्डअप कर रहे थे, अपनी लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है मार्केट में, ठीक। देखती हैं लास्ट टाइम मार्केट ने ये रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक, इसको ब्रेकआउट दिया था, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट, ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। रिट्रेसमेंट के बाद अब हम लोग को अच्छी खासी तेजी देखने को मिलने वाली है। सो देखिए, हम लोग के नेक्स्ट लेवल और टारगेट्स क्या होने वाले हैं वो डिस्कस करते हैं। हम लोग का फर्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है, हम लोग का फर्स्ट टारगेट बन के आएगा अराउंड दिस पॉइंट 33.45। अब मैंने यही क्यों चूज करा, देखिए इसका रीजन है, अगर आप लोग इसको थोड़ा पास्ट डेटा में देखें, वेट अ मिनट, 32 पॉइंट जहां से इसने रिजेक्शन लिया, इसी पॉइंट को हम लोग लाइन को थोड़ा पास में देखे, लास्ट टाइम भी मार्केट एक, देखिए इस टाइम तो यहाँ से रिजेक्शन हुआ ही, लास्ट टाइम भी मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन फेस करा। ओके, सो हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट यहीं से अपने आपको रिजेक्शन बार बार ला रहा है। सो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस मार्केट अपना प्राइस एक्शन बिल्डअप करके जाए, हायर हाइज हायर लोस वाला फॉर्मेशन बिल्डअप करे और यहां से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है वापस से। ओके, सो 33.60 के लेवल को हम लोग को माइंड में रखना है और इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सो जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड, जो लोग शेयर बाय करके रखे हुए हैं, वो 33.60 रुपीस के पास बाय सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, थोड़े बहुत अपनी क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, ठीक। ये तो बात हो गई कि वो हम लोग को टारगेट्स, अभी अपकमिंग टारगेट्स अगर ध्यान से देखें, वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है, आज के दिन क्या है मार्केट क्लोजिंग दे चुकी है वीकली कैंडल, आज फ्राइडे था। सो वीकली कैंडल का थोड़ा एनालाइज करते हैं, वीकली कैंडल क्या कह रही है, ठीक, ताकि हम लोग को अच्छे से लेवल समझ पे आए। देखो भाई, वीकली कैंडल क्या बनाई इसने, डोजी बनाई। ओके, इस वीकेंड में जो कैंडल बनी है डोजी कैंडल क्या कहती है, हाई मार्क करो, लो मार्क करो, जिधर ब्रेकआउट दे भाई आंख बंद करके उस साइड चले जाओ, ठीक। इतना भी आंख बंद करके नहीं, अपने स्टॉप लॉस और रिकवर रेशियो को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है डोजी के बाद, क्योंकि डोजी बहुत टाइम स्टॉप लॉस हिट कर देती है। सो मिनिमम स्टॉप लॉस को फॉलो करने के लिए आप लोगों को एक रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ता है डोजी के ब्रेकआउट के बाद। ओके, सो हम लोग को करना क्या है, इस वीकेंड डोजी का हाई ब्रेक करता है या लो ब्रेक करता है उस पर ध्यान देना है। अगर 30.30 ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग डाउन साइड के लेवल कितने मिल सकते हैं, 26.65। अगर अपसाइड की डोजी ब्रेकआउट देता है तो 33.60 के टारगेट देखने को मिलने वाले हैं। ओके, सो ये सिनेरियो हम लोग का बनता हुआ आ रहा है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो अप करने वाले हैं ट्राइडेंट में। सो इन स्ट्रेटजी और इन लेवल को माइंड में रखते हुए ट्राइडेंट में आप लोग अगर कोई फ्रेश एंट्री या फ्रेश बाइंग सोच रहे हैं, सो तभी आप लोग बाइंग एग्जीक्यूट करिएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगैर मत जाइएगा, बिकॉज हमारे चैनल बाकी चैनल के मुकाबले हम लोग को रीजन देते हैं, बाकी चैनल वाले सिर्फ आप लोग को नॉलेज लेवल्स बता जाते हैं, अगर हम लोग के रीजन को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बहुत नॉलेज आप लोग गेन होगी। ओके, सो आप रॉ मटेरियल नहीं, हम लोग का आप लोगों को एक तरह का मटेरियल दे रहा है, आप लोगों को नॉलेज गेन करनी है उसे। ओके, बस सो आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करके जाइएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।